नर्सों की हड़ताल जारी है। नर्स एसोसिएशन अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रही है। आज जेपी अस्पताल में नर्सों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर विरोध दर्ज कराया। लगातार चार दिन से प्रदेश की 50,000 नर्स काम बंद हड़ताल पर है। स्टाफ नर्सों की मांग है कि उन्हें सेकेंड ग्रेड पे का लाभ दिया जाए, रात्रिकालीन चिकित्सा आकस्मिक भत्ता 300 रुपए प्रति नाइट के हिसाब से दिया जाए, नर्सिंग संवर्ग की वेतन विसंगति को दूर किया जाए, नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड 3,000 से बढ़ाकर 8,000 किया जाए, पुरानी पेंशन लागू की जाए। इसी के तहत आज जेपी अस्पताल में नर्सों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर विरोध दर्ज कराया। मुख्य मांग जो है हमें सहायक ग्रेड 2 का पद की वेतन जो चाहिए, और जो दूसरे राज्यों में दे है लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में अभी तक हमको दिया नहीं गया है। उसके बाद दूसरी हमारी मांग है पुरानी पेंशन लागू करने की, और मुख्य रूप से जो हमारी नर्सेस बहनें हैं ना, कई सालों से एक ही पद पर कार्य कर रही हैं और उसी पद पर कार्य करते करते रिटायर हो जाती हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई पदोन्नति नहीं दी जा रही है। और तीसरी मांग जो है हमारी रात्रिकालीन भत्ते की है, जो कि चिकित्सकों को तो बराबर दिया जा रहा है लेकिन हमारी नर्सेस बहनों को आज दिनांक तक दे नहीं है। हमारी ऐसी 10 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें से 4 हमारी प्रमुख मांगे हैं। अभी तक प्रशासन हमारी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं हुआ है। सिर्फ हेल्थ कमिश्नर जिन्होंने हमें बुलाया था उन तक हमने अपनी बातें पहुंचा दी हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी हमें किसी तरह का कोई आश्वासन या निराकरण का। यज्ञ हमने प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए किया था, जिससे कि प्रशासन को हम नर्सेस बहनों की याद आए और वो हमारे लिए ध्यान आकर्षित करें, ताकि जिस बुरे समय में कोरोना काल में हम लोगों ने प्रशासन की इतनी मदद की, सहायता की, उसके एवज में कम से कम अपनी बहनों की एक बात सुन तो सकता है प्रशासन, लेकिन प्रशासन अपनी आँखों पर पट्टी बांध के बिल्कुल सुन सपाट बैठा है। हॉस्पिटल फिलहाल संविदा कर्मी नर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल से नर्स बुलाकर काम कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि कोई भी काम नहीं टल रहा है, लगातार ऑपरेशन और अन्य काम जारी हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन नर्सों से ये अपील कर रहा है कि हड़ताल से वापस आकर काम पर लौट आए। अभी हमारे यहाँ नर्सिंग ऑफिसर्स स्ट्राइक पे हैं, संविदा वाली नर्सिंग ऑफिसर स्ट्राइक पे नहीं है, तो व्यवस्था उनके द्वारा और जो प्राइवेट जगह से नर्सिंग ऑफिसर आए हैं तो व्यवस्था बनाई हुई हुई है, तो कोई परेशानी नहीं है। कोई ऑपरेशन भी हो रहे हैं, आज ही मेरे बेटर का भी एक छोटा ऑपरेशन हुआ है, तो सब व्यवस्था बनी हुई है। OT में भी काम हो रहा है, इस तरह काम चल रहा है, और मेरी भी नर्सिंग ऑफिसर से समझाइश भी है और निवेदन भी है कि मरीजों के हित में वापस आएँ, बैठ के जो समस्या है बैठ के सुलझा सकते हैं, और ये नर्सिंग ये स्ट्राइक इस तरह जाना उचित नहीं है। लगभग 100 के आसपास नर्सिंग ऑफिसर स्ट्राइक पे हैं अभी हमारे यहाँ। प्रशासन स्तर पर कोई बातचीत हुई कि नर्सें हड़ताल कर रही हैं, तो अब इसका मुझे मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन नर्सें बात कर रही हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर रही हैं, इनकी मांग पूरी नहीं होती तो हड़ताल पे जाएंगे अनिश्चितकालीन, ये तो उचित नहीं है, मरीजों के हित में भी उचित नहीं है, और जो मरीजों की सेवा के लिए हम लोग होते हैं तो मरीजों के सेवा करना हम लोगों का धर्म है, तो ये उचित नहीं है। सीनियर स्टाफ नर्सों ने साफ शब्द में कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वे हड़ताल पर रहेंगी और ड्यूटी पर नहीं जाएंगी। बहरहाल अब देखना होगा कि नर्सों की मांग कब तक मानी जाती है। भोपाल से मृदुभाषी के लिए जिशान अली की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।